आप किसको वोट देंगे सर? टीएमसी को। टीएमसी को? मोदी जी से क्या नाराजगी है? नाराजगी नहीं है सर, नाराजगी माहौल खराब करने से। जय श्री राम जी सनातन धर्म एक नारा है, ठीक है। काम पर बोलिए, काम पर। बिल्कुल आप बोल सकते हैं ना, आपको जेल भेजा जाएगा। नहीं नहीं आप नहीं बोल सकते हैं। ये चीज यही क्यों चाहती, यही क्यों चाहती है? अगर लोकल नेता है और लोकल नेता आपका बीजेपी का काम बढ़िया करता है तो फिर क्या करेंगे? अगर लोकल नेता अगर बीजेपी का नेता भी हो तो मैं उसको सपोर्ट करूँ। वो कहानी पलटने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तो फुरफुरा फिर ज्यादा का क्या आपको लग रहा है? बता दे रहा हूँ, ये एक मौसम होता है ना, जैसे चुनावी मौसम, जैसे बारिश होता है तो जिस तरह से मेंढक बाहर आ जाता है, इसी तरह से मुसलमानों के अंदर भी है, कुछ लोग इस तरह से लोग फेस आ जाता है, लेकिन उसका कोई वजूद नहीं है। जब कलक रहेगा तब में तब हिम्मत न कभी हारेंगे हम। मोदी चाहे जितना भी कर ले, इस बंगाल का मिट्टी न छोड़ेंगे हम। नमस्कार, मैं काविंद्र चौहान हूँ और इस वक्त हम मौजूद हैं कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के बाहर। इस वक्त आज फ्राइडे का दिन है तो जुम्मे की नमाज हुई, नमाज के बाहर कई लोग यहाँ से निकले हैं। यहाँ मैं उनसे बातचीत करके जानूंगा कि यहाँ पर स्थिति क्या है, किसकी तरफ जा रहा है दीदी या दादा, कहाँ जाने वाला है बंगाल इलेक्शन का चुनाव। देखिए, ये बात यहाँ करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मुसलमान जो वोटर है वो चुनावों में एक बड़ी शक्ति के साथ सामने आता है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वोट, इस पर भी बड़ी चर्चा होती है क्योंकि 27% जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है। तो वह जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरफ टिकता हुआ दिख रहा है। दादा ये बताइए, यहाँ पर स्थिति क्या है, किसकी तरफ चुनाव जो है बढ़ता नजर आ रहा है? टीएमसी की तरफ बढ़ता चला। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, और लोग भी बड़े दिख रहे हैं उनकी भीड़ में, उनकी रैलियों में, तो वो कहाँ से आ रही? उनका कोई चांस नहीं है। उनका कोई चांस नहीं, ठीक है। और भी लोगों से बात करते हैं, ये बताइए यहाँ पर आप किसको वोट देंगे? सर टीएमसी को। टीएमसी को? मोदी जी से क्या नाराजगी है? नाराजगी नहीं है सर, नाराजगी माहौल ख़राब करने से है। जो इंडिया का सिचुएशन है राइट नाउ, इकोनॉमिकल आप देख लीजिए, हर एक चीज़ देख लीजिए, जो स्टेट में उन लोग हैं, जो स्टेट में उन लोग अभी चला रहे हैं, उन लोगों की सरकार है, और यहाँ आके लोगों को ये कहना जय श्री राम, दिस इज नॉट अ वे। हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो सबको हक है आज़ाद से रहने का, बोलने का, लेकिन आप जो माहौल ख़राब कर रहे हैं हर ये वेस्ट बंगाल में आके, जो हम, मैं तो यूपी से बिलोंग हूँ, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे जो भी लोग हैं यहाँ रहते हैं, दे आर डूइंग देयर बिजनेस। मैं वेस्ट वाराणसी से हूँ, लेकिन मैं वहाँ देख रहा हूँ कि वी आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड देयर। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि हिंदू वोटर को साधने की कोशिश की जा रही है? यस, साधने की। फिर सर ऐसे तो बात ये भी होती है ना कि मुस्लिम वोटर को साधने की कोशिश ममता बनर्जी करती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, वो कि वो सिर्फ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ती हैं मुसलमानों को, हालांकि 80% हिंदुओं का काम करती हैं, लेकिन उनको सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। वो एक वर्ड बोलती है उसको 10 वर्ड यूज करके बदनाम किया। अभी अच्छा ये बताइए, चलिए टीएमसी हो गया, दूसरा बीजेपी हो गया, एक और फ्रंट है वो है कांग्रेस और लेफ्ट का, वोट वहां तो नहीं बटेगा? नहीं, अगर ये लोग इसका, अगर इसको आपका बीजेपी को साथ ले ले तो बात अलग है, इससे आगे जो वोट हुआ तो, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस में भी जा सकता है ना? बिल्कुल है सर, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ज्यादा वोट नहीं कटेगा। मुस्लिम वोट एक साथ जाएगा, वो एक साथ वहां पे जाएगा, टीएमसी में जाने वाला, बीजेपी को नहीं मिलने वाला। आप ये कह रहे हैं, अभी जो आपके रिपोर्टर थे अजीत अंजुमजान, यस, उन्होंने सर अभी नंदीग्राम में देवोफई यस्टरडे वो थे वहां पे, ये उन्होंने देखा, कई लोगों से पूछा तो वहां टी शर्ट और ये साड़ियां बिकी, तो इलिटरेसी नहीं है सर, जहाँ इलिटरेसी है वहाँ इन लोग हावी हैं, जहाँ इलिटरेसी नहीं है, जहाँ एजुकेटेड लोग हैं, यू गो टू साउथ, वहाँ लोग नहीं है। आप तो काफी एजुकेटेड नजर आ रहे हैं, एक बात बताइए कि आप आरोप समझते होंगे बीजेपी वाले टीएमसी पर लगाते हैं, टीएमसी वाले बीजेपी पर लगाते हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति कर रहे हैं, वो कहते हैं वो हिंदुइज्म की, हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। आप ओवरऑल देखिए, आप एजुकेटेड हिंदू एजेंसी से पूछेंगे, ही इज सेटिस्फाइड इन बंगाल, ही इज वेरी सेटिस्फाइड। आई एम फ्रॉम वाराणसी, मैं यहाँ आया हूँ, देख रहा हूँ यहाँ लोग माहौल खराब कर रहे हैं, द पीपल आर वेरी सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी, आराम से रह रहे हैं, लेकिन आप यहाँ आके माहौल खराब करेंगे, एक दूसरे का नजर में दूसरा आप बोलेंगे, आप हिंदू मुस्लिम फैक्टर काम नहीं कर रहा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अभी इधर काम नहीं, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। तो ये बताइए, 27% जो मुस्लिम वोट है यहाँ का, वेस्ट बंगाल का, वो कहाँ जाने वाला है? टीएमसी को जाएगा। अगर वो टीएमसी को जाएगा तो बाकी जो 70% वोट बैंक है वो किधर जाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से मीडिया में 30% मुस्लिम का वोट, 70% हिंदू का वोट, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों का अपना मत है, ठीक है। अगर मेरा दिल चाहा मैंने टीएमसी को वोट दिया, मेरा दिल चाहा मैं बीजेपी को वोट दिया, लेकिन ऑल मीडिया जिस तरह से मुसलमानों का एक छवि बनाया है कि जिस तरह ममता बनर्जी, जो भी सेकुलर है, जो हमारे भारत के हिसाब, संविधान के हिसाब से जो सोचता है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अगर ये बीजेपी हमारे सामने जब आती है, सामने वो पहला फैक्टर रखती है कि ये मुसलमान हमारा दुश्मन है, मैं मुसलमान का दुश्मन हूँ,
लेकिन इस तरह का अगर फैक्टर हमारे पास रखेगा तो आप उससे किस तरह का उम्मीद रख सकते हैं। अच्छा लोकल नेता है सर, ये बताइए अगर लोकल नेता है और लोकल नेता आपका बीजेपी का काम बढ़िया करता है तो फिर क्या करेंगे? अगर लोकल नेता अगर बीजेपी का नेता भी हो तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। आप सपोर्ट करेंगे अगर काम बढ़िया करेगा लोकल नेता बीजेपी को वोट? यस यस यस। ठीक है, आपका कहने का जो मैं पूरा मतलब निकाल पा रहा हूँ, लबोलुआब जो निकाल पा रहा हूँ, वो ये है कि नेता बढ़िया होना चाहिए, पार्टी से इतना ज्यादा कोई लेना देना नहीं। जिस तरह से अभी नंदीग्राम में, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, नंदीग्राम में किस तरह से आपने 2-3 महीने के अंदर में इस तरह से मीडिया जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि वहाँ बीजेपी की पकड़ है, लेकिन आप बताइए किस तरह से उसने पकड़ बनाया? लोगों को पैसा दिया, ठीक है, लोगों के ऊपर क्या सीबीआई ईडी का डंडा दिखाया और उसने इस तरह का जमीन बनाकर लोगों के सामने इस तरह का जो फैक्ट दिखाया गया है वो बीजेपी सरकार है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी हो या यहाँ फ्रॉड हो या कोई भी सरकार जो भी यहाँ पे जिस तरह से फील्ड वर्क में जो भी काम करती जो भी पार्टियाँ हो, वो लोगों का अपना एक वजूद है, उसको कहते हैं साइलेंस वोटर। वो आने वाले दिन में हमें बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही सर। एक बात आई, एक बात कह देता हूँ, एक चीज सर मैं एक चीज सवाल कर लूँ। जब हम दिल्ली से निकले तो हमें दिल्ली में देखिए क्या क्या तस्वीरें समझ आती है। बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में हमें यह समझ में आता है कि जो एक मुस्लिम वोटर, नाराज मत होइएगा, सीधे बता रहा हूँ, एक मुस्लिम वोटर जो है वो ममता दीदी को सपोर्ट कर रहा है, एक जो वहाँ पर जो हिंदू वोटर जो है, जो कट्टर मान लो आप, वो जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। साइलेंट वोटर जो है वो खेला करेगा असली। साइलेंट वोटर कहाँ है? वो खुल के नहीं बोल रहा, लेकिन वो आखिरी में क्या लगता है किस तरफ जाएगा? जैसे अभी इन्होंने नंदीग्राम में ये कहा था, वहाँ जाके अंजुम जी से पूछे थे तो कि क्या हुआ, तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ममता दीदी तो सिर्फ मुस्लिमों को कह रही हैं, वो ये माने सपोर्ट, खुलेआम सपोर्ट कर रही है। ये चीज़ उन्होंने गलतफहमी फैला दी लोगों के अंदर, गलतफहमी उन्होंने वहाँ फैला दिया इस तरह का। अब मैं एक सवाल और करना चाहूँगा क्योंकि दिल्ली में इसकी बड़ी चर्चा है, दिल्ली में सुनिएगा दिल्ली में इसकी बड़ी चर्चा है। पुरपुरा पीरदादा के जो सिद्दीकी साहब हैं वो भी अब अलग हो गए, अलग से लड़ रहे हैं, उनका क्या महत्व है? मत अभी जैसा आप भी कंपनी में काम कर, आपको नहीं पूछा, आप कोई भी टीवी में जा सकते हैं, इसका किसी को कोई पकड़ नहीं है। बिल्कुल अभी हम टीएमसी में कर, हम अगर कांग्रेस में चला गए हमको कोई, लेकिन उनका दबदबा तो है वो, क्योंकि कहते हैं कि 194 सीटों पर वो कहानी पलटने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तो फुरफुरा पीरजादा का क्या आपको लग रहा है? बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, आप अगर इसमें अगर 10% भी लोग आप किसी से फुरफुरा पीरजादे का नाम भी बताया देगा तो मैं आपको बोलूँगा उसको जानने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ये एक मौसम होता है ना, जैसे चुनावी मौसम, जैसे बारिश होता है तो जिस तरह से मेंढक बाहर आ जाता है, इसी तरह से मुसलमानों के अंदर भी है, कुछ लोग इस तरह से लोग पेश आ जाता है, लेकिन उसका कोई वजूद नहीं है। वो पीरजादा के मतलब वो धार्मिक स्थल है और ये मुसलमानों का एक बहुत बड़ा छवि रहा है कि मुसलमान धर्म लेकर कोई भी राजनीति नहीं करती, राजनीति नहीं करते। ठीक है, अच्छा ये बताइए, लेकिन बातें तो देखिए, जब आंकड़ों की बातें करते हैं तो ये समझ में आता है कि जैसे आपने पीरजादा की बात की तो उनका प्रभाव देखने को मिलता है सर, प्रभाव दिखता है ये मीडिया में इस तरह से प्रोपेगेंडा करके दिखाया जा रहा है। मैं बोलता हूँ आप कलकत्ते के हर एक नौकड़ पे आप चले जाइए, पीरजादा का नाम अगर बता देगा तो मैं नहीं बता पाएगा। अच्छा एक बात आई, एंटी इनकंबेंसी की बात बहुत होती है, 10 साल हो चुके हैं एंटी इनकंबेंसी नहीं दिख रही, कोई भी ये नहीं बोलता कि बीते 10 सालों में ममता बनर्जी ने ये काम नहीं किया वो काम नहीं किया, कुछ तो ऐसी चीज होगी जो नेगेटिव होगी, नेगेटिविटी पे बात करते हैं, नेगेटिव क्या किया जो चीज होनी चाहिए थी? ऐसा देखिए, इस चीज से आप इत्तेफाक रखिए मेरी बात से कि कभी भी आप लोग फुली सेटिस्फाइड नहीं हो सकते किसी नेता से, कुछ तो होगा कि उन्होंने ये वादा किया ये पूरा नहीं कर पाए, उस पर बताइए। बहुत सारा पूरा किया, सारे वादे पूरे कर दिए, बहुत सारा। आज यही एक नेता है कि आज बंगाल में किसी किस्म का दंगा फसाद या कोई किस्म का नहीं हुआ, यही एक नेता। और सीएम को उठा के देख लीजिए, कहीं भी देख लिए, कहीं ना कहीं दंगा फसाद। ये देखिए दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ हुआ, कितना अच्छा से करके निकाल दिए, ठीक है, मगर इनको क्या, इनके बारे में अफवाह उड़ाया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को देखती है, हिंदू को नहीं देखती है। देखिए कोई भी सीएम हर किसी को लेके चलेगी, अब ये नहीं कि किसी को धर्म को आगे करके इससे झगड़ा फसाद करा दे तो वो ठीक है, जैसे मोदी करते हैं किसी के धर्म को झगड़ा फसाद करके वो बहुत अच्छे हो गए, ठीक है। 27% मुस्लिम वोटर है, हम मुस्लिम एरियाज में भी जाते हैं वहाँ भी बात करते हैं, सब ममता दीदी करते हैं, ऐसा क्यों है कि आपको बीजेपी पसंद ही नहीं आती? लोकल नेता तो पसंद आ सकता है, दंगा फसाद वाला पार्टी है सर, वो सिर्फ दंगा फसाद, कभी भी वो एक कौम को लेके चलता है, वो कभी भी किसी को भी। देखिए अभी क्या है बांग्लादेश में, इतना अभी बांग्लादेश में गया, उनके नारों से भी समस्या है ना, वो नारे जो लगाते हैं कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या, उसका नारा जो भी है वो आपका धर्म का नारा है, उसका हर अपना धर्म का अपना अपना नारा होता है, उसने पूरे जो भी हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है उसका वो नारा है, उसने उसको राजनीतिक में यूज किया। पासा कहां से पलटा? पासा बताता हूं कहां से पलटा, देखिए पासा बताता हूं, पासा कहां से पलटा, जब जैसी नाम के नारे लगाए गए उनके सामने, ठीक है, ममता बनर्जी ने बताया गया कि उनको जेल में भिजवा दिया,
तो फिर बाकी लोग सोच रहे अरे यार ये क्या हुआ, तो आप अगर अपना धार्मिक नारा लगाएंगे आपको कोई जेल में डाल देगा, आपको भी खराब लगेगा, तो उस पर बताइए वो क्या। बोलने नहीं आता, जय श्री राम बोलना चाहो जय श्री राम बोलते, उनको खुद बोलने नहीं आता, ये तो मुद्दा बना कर रखते हैं उनको। जय श्री राम भी, जय श्री राम भी, एक जय श्री राम भी सनातन धर्म एक नारा है, ठीक है। काम पर बोलिए, काम पर बिल्कुल आप बोल सकते हैं ना, आपको जेल भेजा जाएगा। नहीं नहीं आप नहीं बोल सकते हैं, मैं बहुत ये चीज यही क्यों चाहती है सर। अभी जैसे आप बोलेंगे, अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तमिलनाडु के अंदर में अभी इस वक्त कल जो मोदी जी की सरकार जो आई थी, जब वहाँ पे गई थी मीटिंग करने के लिए, गो बैक का नारा लगाया गया, उसमें 10 महिला को अरेस्ट किया गया और 35 महिला 45 जो क्या कह रहा, क्या कह रहे, बाहर आ गए, इधर बताइए। हाँ तो बोलो, बीजेपी राज्य अखंड चल छे, हिंदी में प्लीज। अरे हम तो हिंदी, चलिए ट्रांसलेट कर देंगे, आप बोल दीजिए, बोल दीजिए राज्य, बोलो ना अपनी बांग्ला, बोलो हिंदी में। बोलছি যতগুলো বিজেপি রাজ্য এখন আছে প্রত্যেক জায়গায় ডেইলি পেপার খুললে শুধু ধর্ষণ আর খুন, দলিত খুন, মানে হর জায়গা রেপ আর খুন হো রাহা হে হর বিজেপি। जो भी मैं बता रहा हूं, सर जो बता रहे हैं आपको, जो भी बीजेपी सरकार जहां उसकी हुकूमत है, आप उसके बारे में न्यूज पलट के देखिए, वहां पे रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। चलिए ठीक है, आप युवा है, आप एक मिनट, आप युवा है, आप आइए, आप आ गए युवा, अरे सर खुल के बाहर नहीं आएंगे युवा कैसे कहलाएंगे। दे चुके हैं बीजेपी को, आज उनकी पार्टी के लोग जो उनके दे चुके हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ, जो टीका लगा के दे चुके हैं, वो आज हालात से इतने मजबूर है, इतने परेशान है, कह रहे हैं वो आखिरी भूल थी जो हो गई, अब होने वाली नहीं है। बेटा आपको कौन पसंद है, मोदी या ममता, बताइएगा मत कोई, मोदी या ममता? ममता। देखिए तो यहाँ पर बच्चों के भी दिलों में पार्टी कौन सी, विच पार्टी, ममता बनर्जी किस पार्टी से? देखिए बच्चों को भी यहाँ पर ये जानकारी नहीं, बड़ी दिलचस्प बात है, बहुत बड़ी दिलचस्प है ये चीज। तो यहाँ पर नहीं, मैं आता हूँ आप पर भी आता हूँ ठीक है, लेकिन एक चीज बताने की कि जब आंकड़ों पर देखिए, राजनीति जो है बड़ा आंकड़ों का खेल है, आप सब इस बात से सहमत होंगे, आंकड़ों का खेल है, देखा जाता है कि हाँ यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर हिंदू बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरीके से वोट घसीटने हैं, यहाँ पर ये नेता भी इस हिसाब से खड़ा किया जाता है, आपको बता दें, आप राजी होंगे, नेता भी इस हिसाब से खड़ा किया जाता है। अब ये बताइए, यहाँ पर जितने लोगों से बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं ममता बनर्जी, आपकी जो विधायक होंगी वो ममता बनर्जी तो नहीं हो पाएंगी सीधे, तो लोकल लीडर जो है उसको भी आप लोग चुनते हैं कैसा काम कर रहा है, आप कितने पार्टियां भी खुला होगा अपने बीच में भी कि कितने पार्टियों ने कितने पैसा लेके इधर से उधर चले गए, टीएमसी छोड़ के बीजेपी में चले गए, तो आप उस पर कैसे भरोसा करेंगे? आप एक बात बताइए, बीजेपी के अंदर तो अभी खुद छोटा टीएमसी घूम रहा है, क्योंकि कितने नेता टीएमसी से घूम के बीजेपी में आ गए, तो अब आप क्या बोलेंगे उस पर? ठीक है, उसको भी हटाना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, हम करप्ट को किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो बीजेपी में हो या टीएमपी में हो, हम तो सबसे अच्छा भी पार्टी हम चाहते हैं, ऐसा ईमानदार पार्टी जैसा केजरीवाल है दिल्ली में। ये भैया भी बड़े दूर से बिल्कुल आ रहा हूँ, क्या कह रहे हैं बताइए। बीजेपी में गया सब चोर है, इतना टीएमसी में गया सब बीजेपी में ना सब चोर है, एक तो भी सही नहीं है, चोर गया सब, अच्छा चाचा केला खा के बता रहे कुछ, चोर में जो ममता बनर्जी कर दिया कोई निर्णय नहीं किया आज तक, जो हर उसका कलेजे में मुसलमान का, हर जगह में भी हिंदू मुसलमान नहीं देखा, वो जात को नहीं देखा। अच्छा चाचा एक बाइट और खाइए फिर बताइए आगे, खाइए, हाँ आप बताइए, जात नहीं देखा वो जात नहीं देखा, न हिंदू न मुसलमान, वो अपना आप को खुद अमाम पे लड़ गया। आपने एक बात आइए फिर एक नहीं फिर एक बात बताइए एक बात बताइए मुझको कि 2019 के लोकसभा, नहीं एक मिनट सवाल सुन लीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव जब हुए तो 40% वोट शेयर कैसे मिल गया बीजेपी को, अगर बीजेपी आप लोगों को इतनी नापसंद है तो? मशीन का खेल है ये, पब्लिक का वोट नहीं, वो मशीन का खेल है, वो ईवीएम का खेल है, आए दिन सुनता होगा, कल का नहीं। बोल रहे कि हम जीत गए दो चरण में मोदी जी बोल रहे कि हम जीत गए कैसे बोल रहे भाई, आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हम जीत गए, अभी दो ही चरण हुआ, दो ही चरण में डायरेक्ट बोल रहे हैं कि दीदी हार गई, ममता दीदी बहुत कॉन्फिडेंस का खेल रही है, ममता बनर्जी भी कह रही है, आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि दो ही चरण में हम जीत गए, अभी तो पूरा स्टेट बाकी है, अभी तो पूरा 6 चरण का बाकी है, ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम सेटिंग किए हुए हैं पहले ही से, सब बोल दे रहे हम जीत जा रहे हैं, कैसे मालूम है बताइए, आप ही बताइए। अच्छा कोई काम पर वो वोट मांग रहे हैं,
सिर्फ हिंदू मुसलमान के ही मुद्दा पर वोट। अच्छा ठीक है, बहुत सीरियसली देखिए आप बहुत बढ़िया इंसान लग रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे, दिल पर हाथ रखिए, एक बात बताइएगा ममता दीदी ने कुछ ऐसा है जो स्पेशल आपके लिए क्या हो, हिंदुओं के लिए ना किया? स्पेशल है, देखिए ना वो, देखिए एक बात बताए ना, हिंदू बहुत चर्चा है दिल्ली में, बहुत चर्चा है। एक मिनट भैया, भाई लोग अगर ये सीधे बोलेंगे तो सीधे स्पष्ट बात पहुंचेगी, इनको अकेले बताइए ममता दीदी ने कुछ ऐसा स्पेशल आपके लिए किया जो हिंदुओं के लिए नहीं किया? सुनिए दीदी एक ऐसा सीएम है, पहले बात को समझ लीजिए, वो सिर्फ बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, ठीक है। एक सीएम को सबको लेके चलने पड़ेगा, ठीक है, हिंदू का भी इसमें जाकर दुर्गा पूजा में मनाती है, छठ भी मनाती है, सब कुछ करती है, तो वो नहीं बोलते कि छठ क्यों मना रही है, दुर्गा पूजा में क्यों जाती है, एक सीएम को सबको, मगर और स्टेट में देख लीजिए, और स्टेट में देख लीजिए सिर्फ एक ही धर्म को लेकर चला जाता है, मुसलमान का कोई भी पर्व में ना ईद में मुबारकबाद दिया जाता है ना किसी भी। और बीजेपी आ गई तो? बीजेपी आ गई, सुनिए बीजेपी आ गई तो क्या कर ले, कुछ नहीं कर सकेगा, ये बिहार यूपी नहीं है, ये बंगाल का मुसलमान है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, देखिए यूपी में भी इनकी सरकार है, यूपी में भी इनकी सरकार है, बाकी और जगह भी इनकी सरकार है, तो वहाँ तो मुसलमान शांति से जी रहा है ना, चैन से, क्या यहाँ भी शांति से जिएगा, यहाँ भी कोई बात नहीं है, जी रहे शांति से, मगर नरेंद्र मोदी हमेशा क्या किया, हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान बाबरी मस्जिद मंदिर और क्या, बिल्कुल चाचा बोले, छोटा सा बात बोले, हमरा देखिए 62 साल उम्र हो गया, हम जिंदगी में देखा जो एक प्रधानमंत्री एक महिला को हराने के लिए 100 बार यहाँ आके, नाम बताइए, बहुत देर से कह रहा हूँ, नाम है पिनाकी रॉय, देख लिए तो, और सुन लीजिए सुन लीजिए, यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, आपने अभी पूछा ना इनसे, जब ममता जी ये क्या खास बात है जो आप लोग का लिए किया, ममता जी वो चीज किया है जो जो 34 साल में वामफ्रंट सरकार ने किया है, आज तृणमूल बोलिए, बीजेपी बोलिए, कांग्रेस बोलिए, सीपीएम बोलिए, उसका पेट में दाना दिया, आज तक टिल डेट नाउ हराम का ये लोग चावल मिल रहा है, वो कौन दिया? ममता दीदी दिया, रसल में कोई एक पैसा नहीं है। बहुत शानदार बोला, बहुत शानदार बोला, सबके दिल में, अगर ऐसा बात होगा ना तो 2 तारीख को हम लोग रोड में उतर जाएंगे दीदी के लिए, अगर ईवीएम में कुछ खराबी होगा, अगर ईवीएम में तो देखिए, यूपी का जब चुनाव हुआ, देखिए यूपी का जब चुनाव हुआ तब भी बाद में बोला गया ईवीएम खराब थी, बिहार में आप देखिए सारा देश देखा, सारा देश देखा, ईवीएम में गड़बड़ी की बात हुई तो फिर क्या करेंगे? देखिए चुनाव कमिश्नर कुछ नहीं बोल रहा, वो चुपचाप से बैठा हुआ, आप बिहार देखिए सारा दुनिया गवाह है, बिहार में सारा दुनिया एक बजे रात तक का काउंटिंग हुआ, ऐसा आपने कभी देखा? वो तो कोविड का हवाला, नहीं कोविड का बात नहीं है, केटर जा रहा बोला, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं, नहीं आप खुद ने देखा, बिहार का खुद ने देखा, कैंडिडेट को बोला जाता आपने जीत गए हैं, आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी शाम के 7 बजे 11 बजे नहीं देखा, बिहार का काउंटिंग 2 बजे रात तक का, ऐसा आपने कभी देखा अपना लाइफ में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी देखे? अच्छा करेगा हम उनके लिए, लोकल लीडर की बात नहीं कर रहा, कोई लोकल लीडर की बात करिए, यहाँ पे लोकल लीडर कैसे बताइए आप, देखिए लीडर आपके चले, एक छोटा सा मैं सवाल कर रहा हूँ, आप लोगों ने आता है वोट का साइन, वोट का टाइम आके सबका इंटरव्यू लेते हो, कभी पर्व ईद पर्व और दुर्गा पूजा में आया करो, तब देखा कीजिए जो ईद पर्व में हिंदू लोग कैसे पर्व मनाता है और मुसलमान लोग कैसे दुर्गा पूजा करते हैं, देखिए। ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है। अभी 2 साल पहले का बात है, मुहर्रम और दुर्गा पूजा एक संग हुआ था 2 साल पहले ये बंगाल में, मगर दीदी इतना अच्छा से करके निकाल दिए ना, इतना अच्छा से करके निकाल दिए कि सारा दुनिया देखा, अगर एक दूसरा का सरकार रहता ना तो लड़ा देता, वो बोलता है क्या मालूम है दीदी मुसलमानों का पर्व को पहले करती है, रोकती है। अच्छा ठीक है, मैं बस एक सवाल देखिए, बहुत बढ़िया आप लोग बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, एक सवाल देखिए, ये सवाल जरूर पूछो, ये सवाल जरूर वाजिब है, देखिए क्या हुआ था, देखिए रुके बिहार, इधर आ जाए, गाड़ी पर कर लेते बिहार चुनावों के दौरान क्या हुआ कि आखिरी समय पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैली करी, अमित शाह जी ने करी, तो हुआ क्या कि वहाँ का माहौल बदल गया, माहौल बदलने के बाद ये लोग जीत गए, तो तो यहाँ पर अब जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो रही है, अमित शाह जी की रैली हो रही है, योगी आदित्यनाथ भी रैली कर रहे हैं, तो आपको लगता है इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए मैं बता रहा हूँ, रैली देखिए क्या जरूरत पड़ गया था यहाँ प्रधानमंत्री को आने का,
अमित शाह का आने का जोश बढ़ गया था यार। वो तो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के लिए प्रचार, एक पार्टी के लिए, एक मुख्यमंत्री का हराने के लिए सारा दिल्ली और कलकत्ता एक कर लिए, ये कौन सा बात है भाई? पूरा पूरा जोर लगा दिया। ऐसा सवाल है, यहाँ होली और शुभरात एक दिन हुआ, कभी कोई हिंसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, देख लीजिए आप हर जगह कोई हिंसा नहीं, कोई हिंसा नहीं। अच्छा ठीक है, हिंसा के बात कर दी, एक सवाल पूछ लेता हूँ, यहाँ पर चुनावों के दौरान हिंसा क्यों हो जाती है? एक ही बता रहा हूँ मैं आपको, चुनावों के दौरान इसलिए हिंसा हो जाती है कि मोदी जी एक ऐसा मुद्दा उठा देते हैं, हिंदू मुस्लिम, उनको बोलिए ना काम पर वोट मांगने के लिए, बोलिए काम पर वोट मांगने के लिए दिए। वो तो कह रहे हैं परिवर्तन लाएंगे, विकास कर देंगे, सड़कें अच्छी कर देंगे। जब सात साल में कोई परिवर्तन नहीं लाए, पूरा तो देश उनके हाथ में, ना भाई, पूरा तो देश है उनके हाथ में, एक सिर्फ बंगाल को लेके। अच्छा तुम इधर आओ, ये युवा है, ये बताओ इधर आओ, अरे भाग के बोलना से, अरे इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, आप युवा हैं, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, इन लोगों ने तो बता दिया ठीक है, आप बताइए क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या लगेगा माहौल, क्या है यहाँ का माहौल बताइए। टीएमसी सरकार बनेगा और किसका बनेगा? पक्का स्पष्ट, पक्का टीएमसी, इसका थोड़ा कोई खेला नहीं, कोई खेला नहीं, कोई सब खेला तो हिंदू मुस्लिम का कोई उसमें कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम का उसमें हिंसा नहीं है, सबका त्योहार एक जैसे मनाते सबको एक। हिंसा कौन कर रहा है, हिंसा कौन कर रहा है? अरे वही वही आप हम जो बोलते हैं वही करता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा बात नहीं। चलिए ठीक है ठीक है, जिला नंबर 786 है ना, उसका टोटल कीजिए क्या आता है मालूम है? तीन आता है बिल्ला नंबर 786। और हम लोग का हिंदू में कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी तीन है, समझ गए? ये मिसाल किसी ने नहीं देखी होगी, मेरे दोनों भाई जो हैं यहाँ साथ में खड़े और साथ में बता रहे हैं कि वो एक पार्टी को वोट देने जा रहे हैं जो कि गणित बिगाड़ देगा बहुत सी राजनीतिक पार्टियों को। हम लोग देखिए, हम लोग का दोस्त यार हिंदू भाई भी है, सब कुछ है, मगर जाके देख लीजिए कोई कुछ नहीं है, सिर्फ वो जात पात को बांटे, मेरा खून लाल है, जात पात को खुद बांटे, देख लिए भी बंगाली, पूछ लीजिए हिंदू मुस्लिम सब एक है, ये नाम पूछिए, नाम पूछिए पहले में हिंदू मुस्लिम को कोई तोड़ नहीं सकता है, वो जितना बड़ा भी राजनीति। देखिए अब आप, हम लोग यहाँ आए थे, मैं नाम पहचान गया, नाम बताइए, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, ठीक है शर्मा जी, ये बताइए यहाँ पर एक तरह की बातें चल रही है की वोट बैंक जो है उसको देखकर पार्टियां अपना अपना खेमा बचा रही हैं, तो ऐसे में आपको यहां की क्या स्थिति लग रही है? देखिए हमको एक ही चीज पता है, खेला तो होगा ही, बहुत 2 मई के बाद बहुत अच्छा से ठीक है हरा खेला होगा, ठीक है यहाँ पर टीएमसी को छोड़कर और कोई पार्टी नहीं। देखिए मुस्लिम वोटर की बात की जा रही है कि वो तो टीएमसी के साथ नहीं, हिंदू मैं सवाल कर रहा हूँ, सवाल का जवाब, गलत बात है, हिंदू वोट मुस्लिम वोट बोलते सब एक है, सब एक है। हम आपको एक बात बोलना चाह रहे हैं, सरकार अभी घोषणा की 75 लाख किसान के लिए बात बोली थी कि उसको पेंशन का योजना चालू करेंगे, और दिल्ली में 120 दिन से भी ऊपर किसान बैठा हुआ है, जब केंद्र सरकार आपका पूरा हाथ में है आप उसके लिए कुछ नहीं कर सके, तो आप यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए आप क्या कर लेंगे? जो दिल्ली में बैठे किसान के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं कर सका, जो आपकी सरकार पूरी बहुमत की सरकार है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? सिर्फ आप एक तो पार्टी ये मुद्दा बना, चलिए ये बड़ी देर से भैया कह रहे हैं, आप सवाल करना चाहते हो, करिए। सवाल ये है, 7 साल में मोदी क्या अच्छे काम किए? मेरे से कैसे सवाल करेंगे, मैं पार्टी का थोड़ी ना, पूरा लाइफ देखा रहे, क्या बात कर रहे हैं? मोदी से सवाल करेंगे तो इसको भेज देगा जेल, हम तो ना देखिए ऐसा नहीं, देखिए ना डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको कहने का बोलने का सवाल, हर किसी का हक है, हर किसी का हक है। आप जो तो खाली सर बोलेंगे कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, जब तलक रहेगा दम में दम, ममता जी क्या कहते हैं, जब तलक रहेगा दम में दम, हिम्मत न कभी हारेंगे हम, मोदी चाहे जितना भी कर ले इस बंगाल का मिट्टी न छोड़ेंगे हम। तो इसी के साथ जी जो ट्रेन का सर्विस है हिंदुस्तान को नाज इस अहले जमी पे, राम भी है मादरे वतन इस हिंदवली के, तो राम भी यहाँ पे, उनका बोलने से कोई राम नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, राम सबके दिल में है, राम सबके दिल में है। मैं यूपी से भी हूँ, बिहार से भी हूँ, मैं बंगाल से भी हूँ, लेकिन वो बार बार आके जो बंगाल का जो वातावरण जो खराब कर रहे हैं, वो उनका सजा उनको 2 मई को ही मिले। मैं बताता हूँ, जय श्री राम की बात उठ कहाँ से गई? दरअसल हुआ ये था कि पहले चीजें चर्चा में आई कि कुछ लोगों ने जय श्री राम बोला, ममता दीदी ने उन्हें जेल भिजवा दिया माइंड डाइवर्ट करने के लिए। राम का स्तुत पहले वो खुद पड़ गया, वो तो गुजरात में तो राम का है नहीं, गुजरात राम तो भारत की आत्मा में, आत्मा में है ना, तो पहले उनको समझना पड़ेगा ना कि राम का आत्मा उनके पास है कि नहीं है ना, राम तो उनके लिए प्रोडक्ट है, यहाँ बेचना है यहाँ नहीं बेचना है, यहाँ बेचना है यहाँ नहीं बेचना है। अच्छा उसी चीज की राजनीति वो करते हैं आप ये कहते हैं? उसी चीज की राजनीति है, राम को कहाँ बेचना है, कहाँ खरीदना है, किसको राम को जलना है, किसको राम को जलाना है,
हैं दीदी को ये लगा रहे हैं जय श्री राम से नफरत है, जय श्री राम से नफरत, जय श्री राम। आप सुबह को उठिए, नहाइए धोइए, मंदिर में भी बोलिए जाके। ये तो उन्होंने जेल भेज दिया था ना, उन्होंने जेल भेज दिया राम के नाम से, बदतमीजी नहीं करना चाहिए। ऐसी बात है नहीं, ऐसा बात नहीं भेजा किसी को भी नहीं। हिंदू मुसलमान को एक तरह से बदतमीजी पे ले जा रहे हैं, बदतमीजी पे ले जा रहे हैं, बांटने का भी या बदतमीजी का भी, उसको सबका साथ सबका विकास कहते हैं उस पर। अभी 7 साल हो गया सर, किसका विकास हुआ बताइए? बीजेपी को छोड़ ले चले चले, नहीं बहुत एक्सक्लूसिव कुछ बोल रहे हैं। बताइए बताइए बताइए, नहीं नहीं बताए, अरे अब टीवी के इसके सामने नहीं बोलेंगे आप, आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? भैया मैं तो दिल्ली से आया हूँ आपको सुनाने, आप बताइए, आप बोलिए ना, मैं तो खुद सुनाने आया हूँ, आप बोलिए। अरे देखिए, हाँ एक मिनट, आप इतना देर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुझे एक बात समझ, आप कितना देर लाइव दिखाएंगे या आप कितना रिपोर्टिंग करेंगे? जो आप जिस तरह से भैया मेरा अनकट चलता है भैया, ए टू जेड। हाँ आपका फेसबुक क्या आप लाइव चला रहे हैं? नहीं अभी लाइव नहीं, मेरा एडिट होके जाएगा, एडिट होके जाएगा, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ सर, वही चीज़ आप दिखाइएगा जो लोगों ने आवाम के पूछा। ये नहीं बोला है कि दीदी को वोट देंगे, यहाँ पे लोगों ने बोला है जो काम किया है वेस्ट बंगाल के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो लोकल नेता हमारा जो काउंसलर होता है हम लोग उसके काम पे वोट देते हैं, ठीक है। जिस तरह से छवि दिखाया गया पूरे भारत के अंदर में मुसलमानों का कि हम मुसलमान उसको वोट देते हैं जो मुसलमान का सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है, हम उसी को वोट देते हैं जो भारत के लिए काम करता है, भारत के संविधान को चलता है, भारत को संविधान को मानता है। यही चीज़ तो पूछ रहा था मैं तुमसे, बहुत बढ़िया। नहीं होना चाहिए कि लोगों से जिस तरह से अनकट आप बात करें, बहुत सारे लोग हैं, लोगों के अंदर अलग अलग जज्बात है, ठीक है, कोई दीदी को सपोर्ट करता है, कोई हो सकता है मोदी को सपोर्ट करता है, उससे क्या होता है लोगों के सामने ये छवि जाता है कि ये देखिए मुसलमानों का ये छवि है कि वो दीदी को सपोर्ट कर रहा है, ये देखिए ये हिंदू का सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये बंगाल है, यहाँ पे लोग 70% लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग उसी पे काम करते हैं जो हमारा, आपको पता है यहाँ पे एक काउंसलर का बच्चा सभी नाम बताएंगे ना, वो आपको बताएगा कि यहाँ का काउंसलर कौन है, ठीक है। लोग जागरूक लोग हैं यहाँ पे, ये बिहार यूपी नहीं है कि हमने ये गुड़गा कोई कपड़ा पहन लिया या कोई हरा कपड़ा पहन लिया मैं उसके नाम से वोट दे दिया, ये नहीं है, ये वेस्ट। तो ठीक है एक साथ बता दिए, यहाँ पे कोई वैसा फैक्टर नहीं है राजनीति में, धन का कोई फैक्टर नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ पर जो वोट है वो नेता को देख कर दिया जाएगा, वो अपने नेता को देख कर वोट देगा। तो ऐसे में हमने बहुत अच्छी चर्चा करी यहाँ पर, अच्छे लोगों से जानने की कोशिश करी, एक चीज़ अलग नज़र आई यहाँ पर, लोग काफ़ी जागरूक हैं, यहाँ पर लोग काफ़ी जागरूक दिखे, लोगों ने खुलकर बताया कि वो किसके लिए वोट करने जा रहे हैं, लोगों ने खुलकर बताया कि वो किसको क्यों पसंद कर रहे हैं, किसको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं। यहाँ जो राजनीति में जो धर्म का गेम होता है, यहाँ देखिए नाइव होने की कोशिश नहीं करेंगे कि नहीं राजनीति में धर्म नहीं होता ऐसी कुछ चीज़ें, नहीं राजनीति में धर्म आ जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसे बिल्कुल ही उस चीज़ का खंडन किया, यहाँ के लोगों ने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से यहाँ पर जो चुनाव है वो किस दिशा में जाने वाला है और 2 मई को कौन आने वाला है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।